गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केमचो, वड़कम एंड जय हिंद। नया दिन, नई शुरुआत, सूरज पूरा सर पे है और ठंड जबरदस्त है, और ठंड के अंदर सूरज का, गर्मी का मजा लेने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन जो आनंद हमने रात में लिया वो तो अनमैचेबल था। ये देख रहे हैं आप, ये के सर्कल का, ये यहाँ पर गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप, और इसी पेट्रोल पंप पे रात को हम रुके थे, यानी कि अपनी गाड़ियों में रुके थे और रात हमने अपनी कार में ही बिताई। खाली मैंने नहीं, उधर करण और उनके फादर थे, वो भी इसी गाड़ी में थे, और दूसरा इधर गाड़ी खड़ी है राज साहब की, आइए उनसे मिलाते हैं। आ जाओ जी मैडम जी। हाँ जी भैया साहब, क्या हाल, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी आई रात को, नींद आई आपको ठीक? बहुत अच्छी है सर, हैं? स्लेप्ट वेल रहता था डिनर, वो रियली एंजॉय। गाड़ी का मजा जो सोने का था कैसा आया? सबसे बढ़िया है, मैडम का ही बेड था, लग्जरी में सो रही थी। हाँ, उनका तो पूरा अपने बेड बनाया हुआ है, वो तो है। हाँ जी, आप जो किस तरह लगे रहती? मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस था, आप तो दो बार पहले सो चुके हैं। मैं तो कई बार सो चुका हूँ, पर ठीक था, नींद आ गई 4 बजे, और क्या करते, कहीं होटल में रूम नहीं मिले कुछ। सो रात को रुके थे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब आप जर्नी ऐसी करते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल होती है, और जब रूम्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि रात को हमें 12:30 तो बज गए थे बॉर्डर से निकलते हुए, और रूम ढूंढते हुए 2:30 बज गए, सो हो जाता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है, और हम पहले बुक करा नहीं सकते, अगर पहले कराए होते तो शायद नहीं हो पाता वो। तो अब हम खड़े हैं यहाँ पर वरु, VORU। वरु एक शहर है छोटा सा, जो बॉर्डर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से अब हम जाएंगे एस्टोनिया के शहर में जिसको टैलिन के नाम से जाना जाता है। सो टैलिन यहाँ से तकरीबन 2 घंटे और 3.25 घंटे की दूरी पर है, तो टैलिन में रुकेंगे। वहाँ हमारे एक मित्र भी हैं, सरदार अजीत सिंह जी, उनका एक होटल भी है, रेस्टोरेंट महाराजा के नाम से, इंडियन खाना भी खाने को मिलेगा। सो वहाँ चलते हैं, और एयरबीएनबी हम कोशिश कर रहे हैं बुक कराने के लिए। सो अगले कुछ दिन हम इसी एरिया में रहेंगे, यहाँ से फिर जहाँ जहाँ जाना है वो सारा एरिया कवर करेंगे। क्यों फैज भाई, ठीक है जी, प्लानिंग पूरा इधर यूरोप का बनाएंगे। हाँ, पूरा यूरोप का प्लानिंग बनाएंगे, और अपने व्यूअर्स को ये भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल कैसी की डिफिकल्टीज हमने फेस की बॉर्डर पर, वो रशियन साइड में वो मैं कल बता चुका हूँ उनको बॉर्डर के ऊपर ही, कि कल हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गेम खेले रशियंस ने हमारे साथ। एनीवे, उनकी ड्यूटी थी, इन्होंने पूरी करी, और हमारी ड्यूटी थी सब्र और बर्दाश्त करना, जो उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, सो हमने किया। सो अब नाउ टीम इज टुगेदर, वी आर 3 कार्स, ये 3 गाड़ियां आगे जाएंगी। कल की जो सिनेरियो थी, अगर वैसे कोई फंसता है सर, तो दिस इज द नियरेस्ट टाउन फॉर यू टू स्टॉप फॉर ओवरनाइट। यस, व्हेन यू कांट ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स ओनली 40। अगर आप आ रहे हो टैलिन, आपको जाना है, और रात को आपको 12:00 बज गए वहां पर बॉर्डर के ऊपर, तो वारू इज अ प्लेस। यहाँ पर काफी अच्छे सारे होटल भी हैं, क्योंकि वीकेंड था इसलिए हमें यहाँ पर जगह नहीं मिली, बट माइंड यू बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो सभी बाकी शेंगेन कंट्रीज से भी यहाँ वीकेंड के लिए आते हैं। अगर वीकेंड पे आ रहे हैं तो पहले बुक करके आए, बुक करके होना चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, पेशेंस वी हैव रीड इन द बुक्स, यस, बट यू नो वी सॉ इन एक्शन, यस, यू नो पेशेंस हियर इन एक्शन, ईच वन ऑफ अस। पेशेंस की तो बात यह है कि देखिए, यहाँ पर मेरी उम्र के, मुझसे थोड़ी बड़ी उम्र के करण के फादर साहब मिस्टर सुनील कपूर, क्या साहब हमसे छोटे हैं शायद, ठीक है, और दोनों लेडीज आपके सामने खड़ी हैं, इनके लिए अलग चैलेंजेस थे, तो हर एक ने अपनी अपनी पेशेंस दिखाई, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ऐसे ट्रिप्स में, ऐसे एक्सपीडिशन में, ये पेशेंस सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो रिक्वायर्ड होती है। एंड सबसे ज्यादा हमारा मैन फ्राइडे मोहित, इसको हम कल क्रेडिट दे चुके हैं कि भाई इसने जो काम किया, अभी विश की कल हम इसको इसकी मदद कर सकते हैं वहां पर। एब्सोल्युटली, एनीवे ही डिड अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। सो चलते हैं जी यहां से सीधा टैलिन जाने के लिए, आइए। ये है हमारी रजाई, जिसने हमें कल रात को संभाला, बहुत ठंड थी यहाँ पर, 7-8 डिग्री टेम्परेचर हो गया था रात को, पहले 9 था फिर 7 हो गया था, और इसी एक रजाई के भरोसे हमने रात गुजारी, और सुबह जाके 5 बजे करीब मैंने गाड़ी ऑन करी, रात को गाड़ी बंद ही थी,
हीटर सुबह चलाया मैंने 5 बजे। आओ जी मोहित जी बैठो, यहाँ पर डीजल का भी है पेट्रोल का भी है, 95-98 डीजल प्रीमियम डी है, डीजल जो है नॉर्मल ब्लैक वाला वो भी है, अंदर डालो पहले पूरा। हाँ सो ये डाला है जी, देखें 2 लीटर 0.900 मतलब यूरो 1 यूरो से कम पर लीटर ये है, 7 लीटर करीब डलता है इसका, या नहीं वो उसमें होगा पहले भी होगा काम फ्राउडी में शूटिंग आ जाएगा। सो ये डल गया जी हमारा, देखिए कितना आसानी से, और ये बड़ा जरूरी है इंडिया के भी पंप्स पे ये यूरो एड ब्लू होना, क्योंकि डिब्बे से डलवाना कब तक आदमी डिब्बे से डलवाएंगे, और महंगा भी है डिब्बा। सो हमने डलवा लिया है, और इंडिया के भी जो हमारे पंप्स हैं उनके पर हम गुजारिश करते हैं वहाँ पर भी ये होना चाहिए। अब डलवाते हैं हम डीजल, ठीक है जी। सो हमें नॉर्मल डीजल डलवाना होता है, लेकिन यही डलेगा। फुल करानी है हमें 1.4 1 यूरो 43 सेंट्स या क्या होंगे यहाँ के यूरो के साथ, क्या होंगे सेंट्स ही होंगे मेरे ख्याल से, 1.439 ये रेट है यहाँ पर डीजल का। तो ये तकरीबन कितना हो गया, 92 रुपीज का है शायद यूरो, 134 रुपए हो गए है जी, 134 रुपए लीटर। हाँ जी, यहाँ पर दे वेरी सेंसिटिव अबाउट ह्यूमन हाइजीन, और जैसे कि डीजल हम डाल रहे हैं या फिर एड ब्लू डाल रहे हैं तो हाथ पे गिरने से काफी रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ टिश्यूज भी रखे हुए हैं और ग्लव्स भी रखे हुए हैं। क्या बात है सर, दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दे हैव गॉट, टिश्यूज हैं एवरी पंप। और अच्छी बात है, मेरे में गिरा नहीं था, मैं खा रहा हूँ कैसे साफ करते हैं बना के, गिर गया था थोड़ा सर। चलो आओ जी, कार्ड जो है नियोगा कार्ड हमने भी इस्तेमाल किया है, जिस पे टैक्स नहीं लगता है, और हमारा डीजल और वो दोनों जो था क्या बोलते हैं एड ब्लू तकरीबन 20 यूरो के करीब खर्चा आया, और हमने क्रेडिट कार्ड से पे किया। इट्स वेरी नाइस फ्रॉम यू, आई एम गोइंग टू फॉर द सेकंड कार डीजल राइट, आई विल कम एंड पे अगेन, थैंक यू। सो ये दोनों गाड़ियों का पेमेंट हो गया 14-14 लीटर के हिसाब से, हमारा डीजल डाला दोनों गाड़ियों में 23 यूरोस का, और थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह ले लिए हमने, आइए रास्ते में खाएंगे और मजे लेंगे। हम लोग निकल चुके हैं अब वारू शहर से और टैलिन जाने के लिए। वारू शहर जो है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, और यूरोप जितना भी है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल चीज़ें जो हैं बहुत हैं, और आर्किटेक्चर अलग अलग किस्म का आपको देखने को मिलता है। और इसी सड़क के ऊपर हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो कि एक कॉम्बिनेशन था पुराने आर्किटेक्चर का और मॉडर्न आर्ट का, और उसका थीम था सर्कल्स। तो वो एक बहुत ही सुंदर
चर्च है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक चर्च के साथ एक बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है जिसके अंदर जो राउंड सर्कल्स होते हैं, राउंड सर्कल्स के व्हील्स बनाकर और स्टील के हैं वो व्हील्स, और उस पर उन्होंने डेकोरेशन करी हुई है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी राउंड स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पूरा पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर है वो राउंड के ऊपर प्ले कर रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बेंच हैं, मेरे ख्याल 12-12, 15-15 फुट लंबे बेंच, और उनके जो व्हील्स हैं वो व्हील्स लगा के रखे उन्होंने और वाइट कलर से पेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और इससे सबसे जो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील करी वो ये थी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एशियंट आर्किटेक्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न आर्ट। सो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल टीचेस यू अ लॉट, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। यूरोप की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है उसका आर्किटेक्चर वो तो है ही है, लेकिन एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है पूरे यूरोप में, और वो है यहाँ की ग्रीनरी। यही ग्रीनरी आपको यूएस में भी देखने को मिलती है, और ये हमें यूरोप में भी देखने को मिलती है। और इस वक्त जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ के दोनों तरफ घने पेड़ हैं जो आप देख सकते हैं, और रोड जो है वो इसको पूरा हाईवे तो नहीं मैं बोल सकता, पर इंटरस्टेट हाईवेज को बोलते हैं, छोटे हाईवेज उनमें से एक है, टू लेन है, मतलब वन लेन है इसको कह सकते हैं, बिकॉज एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं। एक बड़ी सड़क है जिसके दो हिस्से हैं, और यहाँ से टाइम दिखा रहा है हमें 2 घंटे 36 मिनट, 228 किलोमीटर जहाँ हमने जाना है, और हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी चैनल पे। और ये किसी का फ़ोन आ गया, सो आई हैव टू जस्ट इग्नोर दिस एनीवे। और स्पीड लिमिट यहाँ पर जो भी मैं देख रहा हूँ इस हाईवे के ऊपर वो 90 थी, और अब 50 हो गई है। सो 50 होने की भी कोई वजह होगी, और वजह अक्सर ये होती है जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं या छोटी सड़कों पे जा रहे होते हैं, तो जब कोई विलेज या टाउन या इस तरह का कोई चीज़ रास्ते में आती है तो वो अब आपकी स्पीड कम कर दी जाती है। अब अगेन इट इज़ शोइंग 90, सो आई एम रनिंग ऑन 80 एंड इंक्रीजिंग इट। और जो रोड है बहुत ही खूबसूरत है, और अप एंड डाउन वाली रोड है, रोड है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आप अभी देखेंगे थोड़ी दूर पे जाके, ये रोड नीचे जा रही है फिर वहाँ से ऊपर जा रही है, और दोनों तरफ आपको ग्रीन ट्रीज जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा एक सुंदर दृश्य है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ट्रैवल में अक्सर यही होता है कि आप सुंदरता और खूबसूरती जो देखते हैं वो आपके आँखों में बस जाती है, और यू फील वेरी वेरी रिच अंदर से, आपको लगता है आप फुलफिल हो जाते हो प्राकृति की जो रचना को देख के कि ऊपर वाले ने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर बनाई हुई हैं, चाहे वो हमारा मुल्क हो चाहे विदेशी मुल्क हो, बहुत ही अच्छा कुछ देखने को मिलता है। और अब जो हाईवे जिस पे हम हैं वो है E-263, तो ये E-263 हाईवे इंटरस्टेट हाईवे होगा, छोटा हाईवे है, और ये टर्टू एक जगह है, TARTU टर्टू कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये वहाँ जा रहा है रास्ता।
छोटी सड़क, छोटा हाईवे है, ट्रैफिक कम है, इक्का दुक्का गाड़ियां हैं। अब हमारी गाड़ियां तो पीछे नज़र आ ही नहीं रही मेरे को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक नज़र आ गई, गाड़ी चलाते वक्त पिछली गाड़ियों का ध्यान रखना और फिर आगे गाड़ी को चलाना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक साथ आपको कार करनी पड़ती हैं। हमारे पास बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, और जो टीम है वो अपनी अपनी कारों में बटी हुई है, तो सम टाइम कोऑर्डिनेशन जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम एंटर कर रहे हैं टैलेंट सिटी, और इसका पता हमें लग रहा है राइट साइड को एक ऐसे एयरपोर्ट को देखकर जिसमें हमने पहली दफ़े देखा कि इसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है और वहाँ पर खाली फेंसिंग करी हुई है। आप भी देख सकते हैं कि ये फेंसिंग वाला एयरपोर्ट, जिसके सामने वहाँ पर दूर खड़े हुए एयरक्राफ्ट जो यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं टैलेंट सिटी की ओर। Estonia. You are from Estonia? Yes. Oh, I am Estonia too. Yeah. To Lesia, I am from Estonia too. I still like this. Nice. Thank you. God bless. Yes, God bless you too. Dear guests, sending information regarding the self-check-in. Self-check-in from when you will arrive, get the keys from the master lock which is located behind the tube. The combination to open key box is 9524. 9524 is the code. Now we have to look where is the box. It is located behind the tube. Hai koi tube yahan pe? Nahi. Tube kya? Tube kahan hai? Tube. Found the box here. The number is 9524. Four नहीं है इसमें, ये तो गेम हो गया, फोर तो है ही नहीं। 9524 आगे क्या था? टू। एंटर। एंटर कहाँ से होगा? अब ए भी है इसमें तो लॉक तो ये, एक सेकंड। अरे यार ये है, तीन तीन
इन्हें तो गेम बना दिया है। चाबी होगी। नाइन बॉक्स के लिए फोर नाइन फाइव नाइन फाइव फोर टू नहीं टू फोर टू फोर हाँ गजब गेम बना दिया था मैंने। अब प्रेस कहाँ से करने का इसको? खुल जाएगा, खुल गया सिर्फ। अरे वाह, एयरबीएनबी की चाबी मिलना भी किसी पजल से कम नहीं होता, और आखिरकार हमें चाबी भी मिल गई और नए दोस्त भी। अब हम चेक इन करेंगे अपने रूम में और अपना एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और कल के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि टैलिन शहर जो एस्टोनिया में है, वहाँ की कैपिटल है, वो कैसे दिखती है। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा ये यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर क्रॉसिंग सेवन कॉन्टिनेंट्स।